बड़ी जनसभाओं में, और जो गुज्जर बकरवाल समाज के जो डेलीगेशंस मिले हैं कि गुज्जर बकरवाल का जो ट्राइबल स्टेटस 92 में मिला था नौकरी और प्रोफेशनल कॉलेजेस में, और देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने 1 दिसंबर 2013 को लाखों की तादाद में जम्मू मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, हमारे साथ एक कमिटमेंट करी थी कि जिन सियासी पार्टियों की यहाँ 70 साल सत्ता रही है, उन्होंने जिन कम्युनिटीज़ को, जिन सेगमेंट्स को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा है, अगर मैं देश का वज़ीर आज़म बना तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा और उनकी हालत को सुधारूंगा। देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही यहाँ 3 टायर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, यहाँ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया, अटोरोसिटीज़ एक्ट आया, और कई तरह की जो चीज़ें हैं वो आई, और यहाँ तक ट्राइबल स्टेटस के लिए कुछ सियासी जमातों की पुष्पनाई पे हु एंड क्राई हो रहा है। मैं फिर से आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके साथ ज़रा रत्ती बराबर कोई डाइल्यूशन टिंकरिंग नहीं होगा, और वो जो 10% गुज्जर बकरवाल का था वो इंटैक्ट रहेगा। दूसरी बात, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने 70 साल में ना तो इस समाज के लिए कुछ करा है, ना इनके लिए सोचा है, ना इनके मैनिफेस्टोज में कभी इस समाज के लिए रहा है। अगर इनको 92 में कोई रिजर्वेशन मिली तो वो गैर कांग्रेसी सरकार के टाइम में मिली थी, चंद्रशेखर जी के टाइम में। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि वो वक्त चला गया कि आप गुज्जर बकरवाल को एक घर में बर्तन साफ करने के लिए उनको वोट बैंक तक महदूद रखते हैं, वो वक्त चला गया। आज ये भी जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बनेंगे, ये भी देश की तरक्की का हिस्सा बनेगा। इसके साथ साथ मैं गुज्जर समाज से अपील करना चाहूँगा कि वो कभी कहीं भी इनके फाल्स प्रोपोगंडों में ना आए और अपना लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, और जो भी देगी भारतीय जनता पार्टी देगी। पहले ना इन्होंने दिया, ना ये अब कुछ दे सकते हैं, ना आने वाले 50 साल ये दे सकते हैं। जो भी हम इस समाज को देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी ही देगी। थैंक यू। आज का ब्रीफ ये था कि देश के वज़ीर आज़म, देश के वज़ीर दाखला ने अशोर करा है कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को कोई टच नहीं करेगा, डाइल्यूशन नहीं होगी और वो इंटैक्ट रहेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इन नौजवानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्होंने ना कुछ 70 साल दिया है बल्कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और देश के वज़ीर आज़म, देश के वज़ीर दाखला उनको देना चाहते हैं, और इन नौजवान के माध्यम से वो अपने आप को सियासी तौर पे ज़िंदा करना चाहते हैं। और मैं उनसे अपील करूँगा कि इनके बहकावे में ना आए, और जब भी आपको कुछ भी देगी वो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। हमने दिया है सियासी रिजर्वेशन, उन्होंने 70 साल नहीं दी। हमने अब 3 टायर में रिजर्वेशन दिया है, उन्होंने 70 साल नहीं दी। हमने फॉरेस्ट राइट्स को एक्सटेंड करा है, उनको इसके कान तक जू नहीं रहेंगी। हमने अट्रोसिटीज एक्ट या अदर एक्ट, कोई भी माइक्रो सेक्शंस का पूरा राइट है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए देश के वज़ीर आज़म ने जो कमिटमेंट करी थी वो आस्था एक एक करके इस समाज की वेलफेयर के लिए वो कर रहे हैं। ये कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ वो उनके कभी मैनिफेस्टो में इनके वेलफेयर के लिए, अभी एक 5 मरले का जो स्कीम है वो भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही। हम देना चाहते हैं, हमारे लिए, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते, वो अपने आप को इन समाज के लोगों से ज़िंदा कर रहे हैं।